रहीम फूड ब्लूम के चैनल पे आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं कुकिंग की कोई चीज़ नहीं बना रही, आज मैं आपको बालों को खूबसूरत लंबा घने करने का एक ऑयल बनाना बता रही हूँ, जो कि आप जब जब लगाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये आजकल की जो लड़कियाँ हैं वो बालों को डाई करके स्ट्रेट करके सबके बाल जो हैं वो रफ और उनमें वॉल्यूम ख़त्म हो चुका है, उनका कलर जो है वो डैमेज हो चुका है, तो उन बालों के लिए मैं आपको एक अच्छा सा ऑयल बता रही हूँ। उस ऑयल के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, कड़ी पत्ता मैंने ये पनसार की दुकान से ड्राई ले लिया है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, मेथी दाना 1 टेबलस्पून, एक प्याज और एलोवेरा का एक बड़ा पत्ता। आपने एलोवेरा का जो पत्ते का जो येलो साइड है वो आपने ज़ाया कर देना है, वो अंदर ना आ जाए। आपने इसे धो के साफ करके रख लेना है। और ये जनाब ये पेप्सी नहीं है, ये हमारे पास है सरसों का ऑयल। आप कोकोनट का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो सरसों का ऑयल है वो इजीली हर घर में दस्तियाब होता है। और ये जो तेल बनाने का तरीका है ये मेरी दादी की सिस्टर ने मुझे बताया है। उनकी जो बाल हैं वो अभी तक काले हैं और इतनी एज हो के भी उनके बाल काले और खूबसूरत है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये ऑयल जो है ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सरसों का ऑयल तकरीबन मैंने लिया था 1 kg, मैंने इसे एक पैन में गर्म करना रख दिया है। अब जो एलोवेरा का पत्ता है हम इसमें एलोवेरा धो के साफ करके अब हम इसके पीस अंदर डाल देंगे। एलोवेरा का जो पत्ता है वो हमने जो सड़ा हुआ हिस्सा है थोड़ा सा भी ज्यादा सड़ा हुआ वो नहीं डालेंगे, जो फ्रेश पार्ट है वो हम इसमें एलोवेरा के पीस करके इसमें डाल देंगे। ये हमने एलोवेरा के पीस अंदर डाल दिए हैं, ये ऐसा ऐसा पकना शुरू हो गए हैं। अब हम जो प्याज है हमने वो इसके पीस जो है मोटे मोटे करके इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे। प्याज भी मैंने जो है वो मोटा मोटा काट के अंदर डाल दिया है, बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा खपना नहीं है इस ऑयल पर, बस आपने इंजॉय करके इस तेल को बनाना है। इसके अंदर प्याज भी डाल दिए है। बालों को अच्छा करने के लिए आप प्याज का पानी भी अपने स्काल्प पे लगाएंगे तो आपको आपके बाल अच्छे होंगे। इसके बाद हम मेथी दाना डालेंगे, मेथी दाना 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया। इसके बाद मैंने ये कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ते के बहुत ज़्यादा फायदे हैं बालों के लिए, आप कड़ी पत्ता डालेंगे तो आपके बाल लंबे होंगे। ये इसके अंदर हम डाल देंगे 4 से 5 पत्ते, आप फ्रेश कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अंदर डाल दी हमने सारी चीज़ें, एलोवेरा का पूरा पत्ता उसकी पीस करके हमने डाल दी है, प्याज के मोटे मोटे पीस हमने करके हमने डाल दिए, मेथी दाना 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया, कड़ी पत्ता के 4-5 पत्ते थे वो इसके अंदर डाल दिए। अब हम इसे आहिस्ता आपके 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। ये जो व्यूवर्स ये हमारे जो हैं प्याज एलोवेरा का पत्ता जो था वो कड़ी पत्ता और जो मेथी दाना था वो तकरीबन पक चुके हैं, हमने बस इतना ही पकाना है। बहुत ज़्यादा जो प्याज है वो हमने ब्राउन नहीं करना, साड़ना नहीं है उन्हें, तो अब हम इसे ऊपर ऊपर से निकालेंगे क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। अब हम इसे गरम ऊपर से निकालेंगे चूल्हा बंद करके, फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर आपको फाइनली इसकी बुक दिखाएंगे। जी तो फ्रेंड्स आपने ना इसके कैसे इस्तेमाल करना वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जिसने शैम्पू करना हो तो उसे 2 घंटे पहले आप इसे लगा लें, इतना ही आपके लिए बहुत है। सारी रात आप ना लगे क्योंकि ज़्यादा तेल लगाने से भी उसके जो बालों की रूट्स हैं वो वीक हो जाती है, 2 घंटे ही बहुत है, 2 से 3 घंटे।